नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपैरिजन टाटा कर्व और सिट्रोइन बसाल्ट का, क्योंकि भाई दोनों का जो डिजाइन है वो लगभग सेम सा है। तो लोग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों को सेम सेगमेंट की गाड़ी समझ रहे हैं, लेकिन सेम सेगमेंट की गाड़ियां नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो भाई दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है 8 लाख रुपए से। दो इसमें इंजन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पेट्रोल में ही मिलेगी, कोई डीजल या फिर इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं मिलती। इसमें आपको एक मिलेगा टर्बो 1200 सीसी का और एक नॉन टर्बो, वो भी 1200 सीसी का है। 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, बाकी और कोई अलग इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करो तो भाई जो टाटा कर्व है उसमें आपको फीचर बहुत ज्यादा मिलेंगे इसके मुकाबले। इसमें बेसिक से फीचर मिलेंगे, जो जरूरत के हैं बस उस टाइप के फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे टॉप वेरियंट खड़ा है टर्बो वाला मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ। इससे ऊपर एक ही वेरियंट आता है और वो है ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स वाला, बाकी और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो टॉप वेरियंट में फीचर है वो सारे कुछ फीचर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सिट्रोइन बसाल्ट के फ्रंट से। यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगी ऊपर क्रोम और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट का यूज किया गया है। साइड में यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे भी क्रोम का यूज किया गया है। बीच में यहाँ पे मिल जाएगा इसमें रफ ब्लैक। ये नीचे जो स्किट प्लेट दी गई है ये दी गई है सिल्वर कलर की। और यहाँ पे जो इसमें फोग लैंप है ये है हेलोजन। लाइट इसमें आपको एलईडी मिल जाएगी, DRL LED दी गई है, सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा और जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो मिल जाएगा हेलोजन। तो ये उसका फ्रंट प्रोफाइल हो गया। कोई कैमरा या फिर कोई यहाँ पे आपको इसमें सेंसर वगैरह नहीं मिलते फ्रंट में, ना कोई एडास मिलेगा। टायर का प्रोफाइल बता दूं दोस्तों, 5/60/16 टायर का प्रोफाइल है। डायमंड कट यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में यहाँ पे डिस्क मिलेंगे, रियर में मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। साइड में ब्लैक कलर की क्लैडिंग यहाँ पे दी गई है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रोम मिलेगा। हैंडल ये सिंपल वाले मिलेंगे, ये डोर ओपनर दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलते टॉप मॉडल में भी। ग्लोसी ब्लैक कलर के मिल जाएंगे यहाँ पे इसके ORVM, ये टर्न इंडिकेटर इसका दिया गया है। और यहाँ पे टेप का यूज किया गया है, जो इसका ए पिलर है। बी पिलर के ऊपर भी टेप का यूज है। और जो इसकी रूफ रेल है ये भाई बिल्कुल छोटी छोटी सी दी गई है, वैसे रूफ रेल आप इनको बोल नहीं सकते। ब्लैक कलर की छत है, क्योंकि ये ड्यूल टोन वेरियंट है, इसके लिए आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 20-25 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आप सिंगल टोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सनरूफ वगैरह इसमें नहीं मिलती। सार्कफिन एंटीना मिलेगा ग्लोसी ब्लैक कलर का। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो यहाँ पे हेलोजन लाइट मिल जाएगी, सिट्रोइन का ये लोगो मिलेगा, सिट्रोइन की बैजिंग के साथ प्योरटेक की बैजिंग, 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, कैमरा मिल जाएगा, ब्लैक कलर का बंपर है नीचे यहाँ पे, इसमें स्किट प्लेट सिल्वर कलर की, और रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे यहाँ नीचे की तरफ। ऊपर यहाँ पे डिफोगर वगैरह इसमें दिया गया है, ऊपर यहाँ पे डिफोगर दिया गया है, हाई स्टॉप लैंप वहाँ पे, फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा यहाँ पे, 45 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक मिलेगा, 470 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह इसमें नहीं मिलता, मैनुअल हाथ से यहाँ पे आप इसको खोल पाएंगे। मैग्नेटिक बटन ये दिया गया है, पार्सल ट्रे मिलेगी और स्पेयर व्हील दिया गया है ये यहाँ पे। ये है 15 इंच का 185/65R15 टायर का प्रोफाइल है। लाइट मिलेगी यहाँ पे LED। तो इसको करते हैं बंद और इंटीरियर बता देता हूँ अब आपको इसका। यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा, ड्यूअल टोन इंटीरियर है पूरा, ये लेदरेट का यूज किया गया है यहाँ पे। सीटें इसमें लेदरेट मिल जाएंगी, लाइट कलर के लेदरेट का यहाँ पे यूज किया गया है। इलेक्ट्रिक सीटें नहीं है, यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ से जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो चेंज हो जाएगा। चारों पावर विंडो मिलेंगी और भाई ये 1 टच डाउन है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, बोतल होल्डर यहाँ पे, स्पीकर, ये इसका डोर ओपनर। अब अंदर चलते हैं भाई, सीट वगैरह मैंने बताई दी। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है जो ऊपर से पूरा यहाँ पे हार्ड ब्लैक प्लास्टिक है, यहाँ पे भी ये हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे भी पूरा ये हार्ड प्लास्टिक है। ये सिल्वर टेक्सचर यहाँ पे मिलेगा, ये वाला ग्लोसी ब्लैक है। एसी के वेंट ये इस टाइप का डिजाइन मिल जाएगा, यहाँ पे ये डिमिंग ORVM मिलेगा, हाथ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे आप। यहाँ पे येलो कलर की लाइट है, ये माइक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वैनिटी मिरर और यहाँ पे फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, टिकट होल्डर यहाँ पे नहीं दिया गया। नीचे यहाँ पे ये एसी के वेंट सेंटर वाले इस टाइप के मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक एसी मिलेगा, यहाँ पे हजार्ड का स्विच दिया गया है, USB पोर्ट यहाँ पे, 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ा यहाँ पे स्पेस, थोड़ा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, कप होल्डर है। 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स दिया गया है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। यहाँ पे आपको इसमें ये सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस ये, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट ये स्लाइड कर सकते हैं, सॉफ्ट टच के साथ है, स्पेस इसके अंदर बहुत कम दिया गया है। ग्लव बॉक्स भी दिखा दूं तो यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस मिलेगा, ना ये कूल्ड है ना इसके अंदर आपको लाइट मिलेगी। बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। डीकट स्टेयरिंग है, पूरा ये लेदर रैप है, यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए, यहाँ पे दिए गए हैं इसका जो ये क्लस्टर है इसके लिए। और भाई इसमें आपको छोटी ये डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ पे डिजिटल है लेकिन डिस्प्ले बहुत छोटी सी दी गई है, सिंपल सी है। जो इसके कलर है वो भी काफी डल से है, ब्राइट से कलर यहाँ पे नहीं दिए गए। यहाँ पे ये रेन शो करेगा, यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे इसकी वार्निंग लाइट वगैरह आएंगी, टेम्परेचर दिखाएगा कूलेंट का या आउटसाइड का टेम्परेचर यहाँ पे शो करेगा। और भाई यहाँ पे बीच में ये डिजिटल स्पीड दिखाता है। डोर ओपन है तो उसकी वार्निंग भी आ गई, ये RPM वगैरह सारी चीजें शो करेगा उसके लिए।
जो बटन है ये यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो अलग इन्फॉर्मेशन ये दिखा देगा। जैसे ये यहाँ पे आप डिजिटल स्पीड शो करेगा, यहाँ पे ये ऊपर स्पीड शो करेगा और नीचे अलग इन्फॉर्मेशन आएगी, ट्रिप ए से रिलेटेड, ये ट्रिप बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करेगा, यहाँ पे टायर का प्रेशर शो करेगा। वैसे प्रेशर नहीं बताता, सिर्फ ये वार्निंग आएगी कि भाई किस वाले टायर में हवा ज्यादा है किस में कम है, बस वैसे बताएगा। और ये आ गया नेक्स्ट, यहाँ पे आरपीएम शो करेगा। 10 इंच का इसमें आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह इसमें मिल जाता है। तो बस ये है फीचर इसमें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओआरवीएम है जो उसको एडजस्ट करने के लिए और फोल्ड करने के लिए दिया गया है, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, और ये दिया गया है चाइल्ड लॉक के लिए। ये इसके जो हेडलैम्प है उसको एडजस्ट करने के लिए की नहीं दिखाई थी मैंने, इस टाइप की इसमें की मिलेगी। दो कंट्रोल दिए गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, फोल्डेबल की इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पे वाइपर के लिए कंट्रोल, ये मिलेगा हेडलैम्प के लिए। अब चलते हैं पीछे की तरफ, वहां पे देखते हैं अब क्या कुछ इसमें फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। ये इस टाइप का डोर का यहाँ पे डिजाइन है जैसे फ्रंट वाला था, सेम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। सीट यहाँ पे भी लेदर मिलेगी। दो हेडरेस्ट दिए गए हैं और ये साइड स्पोर्ट के साथ मिलेंगे, बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं, आर्मरेस्ट मिल जाएगा। और पीछे यहाँ पे आपको पूरी बेंच सीट दी गई है, कोई इसमें 60-40 का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे। आइसोफिक्स सीट के लिए हुक दिए गए हैं, 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगी। स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे इतना ये इसमें स्पेस मिलेगा, अंडर थाई स्पोर्ट यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया है, पूरी लंबी टांगे करके यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, दो बंदे बैठ पाएंगे, तीसरे के लिए यहाँ पे दिक्कत आएगी। और यहाँ पे भाई ये सेंटर में जो पार्ट दिया गया है ये काफी ऊंचा है, दो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं, पीछे एसी के वेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, येलो कलर की लाइट, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल। तो ये हो गया इसका इंटीरियर। एक्सटीरियर मैंने बता दिया, जो फीचर्स वगैरह थे वो सारा कुछ मैंने बता दिए। इसकी कीमत है 14-14.5 के आसपास ऑन रोड जाएगी भाई ये, ऑटोमेटिक में और भी कीमत एक्स्ट्रा चली जाएगी। तो मैनुअल था इसी का मैं कंपैरिजन कर रहा था। वैसे इसकी जो एक्सशोरूम कीमत है वो बता दूं तो 12,49,000 रुपए इसकी एक्सशोरूम कीमत है। जो टर्बो इंजन है, इसकी पावर की बात करूं तो 80 BHP की इसमें पावर मिलेगी, 190 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, माइलेज मिलेगी लगभग 19-19.5 के आसपास। तो इंजन पावर वगैरह सारे कुछ मैंने बताई दी आपको। डायमेंशन की बात करूं इसकी तो 4,352 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1765 mm की, हाइट है गाड़ी की 1593 mm की, और जो इसका व्हील बेस है वो है 2651 mm का। तो ये हो गया भाई इसके डायमेंशन वगैरह। अब बात करेंगे कर्व के बारे में। ये है भाई टाटा कर्व। इसमें ये जो वेरिएंट खड़ा है यहाँ पे, ये डीजल वाला है। वैसे पेट्रोल की मैं आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह बताऊंगा। 1200 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है टर्बो के साथ ही, उसी के बताऊंगा मैं आपको। तो इसके फीचर्स वगैरह बता दूं, सबसे पहले चाबी दिखा दूं, तो ये देखो भाई क्या गजब की इसमें की है टाटा ने, अभी चेंज की है, कर्व में ही आई है। पहले टाटा की भी वो सिंपल सी चाबी होती थी, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम टाइप की है कि इसमें आपको मिल जाएगी। दोनों यहाँ पे रिमोट दिए गए हैं, ये है अनलॉक करने के लिए, लाइट के लिए, बूट ओपन करने के लिए, और ये दिया गया है लॉक करने के लिए। इसमें आपको इलेक्ट्रिक गेट मिलता है गाड़ी के अंदर। भाई अभी बैटरी नहीं है क्योंकि लॉन्च नहीं हुई, 2 सितंबर से ये गाड़ी की भाई जो प्राइस वगैरह है वो आएगी, अभी शोरूम पे पहुंच गई, लेकिन इसकी बैटरी निकाल के रख दी ताकि कोई मतलब चला चलू के ना देखे इसको। किसी शोरूम में आपको मिल जाएगी, कोई टेस्ट ड्राइव वगैरह भी करवा देगा, कोई ऐसे खड़ी कर देंगे बैटरी हटा दी, कोई परेशान नहीं करेगा, तो उस टाइप से है। वैसे इसके फीचर्स वगैरह बता दूं तो फ्रंट में यहाँ पे ऊपर आपको जो ये ग्रिल मिलेगी पूरी ग्लोसी ब्लैक है, थोड़ी सी अलग सी ये ग्रिल दी गई है, यहाँ पे क्रोम का यूज मिलेगा, कनेक्ट पूरी ये लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे ये टाटा का लोगो, और नीचे यहाँ पे कैमरा ये दिया गया है, नीचे वाला पार्ट भी पूरा यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक दिया गया है, कहीं भी इसमें आपको रफ ब्लैक प्लास्टिक नहीं मिलेगा। साइड में क्लैडिंग वगैरह सब कुछ आपको ग्लोसी ब्लैक ही मिलेगी। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा, ये DRL यहाँ पे दी गई है, नीचे यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे ये फॉग लैंप है जो ये भी प्रोजेक्टर है, फ्रंट सेंसर मिल जाएंगे, डास इसमें आपको मिल जाता है, उसके लिए कैमरा वहां पे मिल जाएगा जो इसका फ्रंट विंडशील्ड है, यहाँ पे कैमरा ये दिया गया है एडास के लिए। साइड प्रोफाइल की बात करो तो साइड में यहाँ पे इसमें जो ये अलॉय व्हील दिए गए हैं ये भी भाई बहुत गजब के लग रहे हैं। 18 इंच के इसमें आपको ये टायर मिलेंगे, जो बेसाल्ट है उसमें 16 इंच के हैं टॉप वेरिएंट में, 215/55 R18 टायर का प्रोफाइल है। आगे मिलेंगे डिस्क ब्रेक और भाई पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक ये दिए गए हैं। जो इसके डोर हैंडल है ये भी देखो भाई लग रहे ना प्यारे, यहाँ पे इसमें ये LED लाइट मिलेगी, यहाँ से प्रेस करके इसका डोर है जो ये ओपन होगा, इस टाइप से इसका हैंडल आएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर इसमें दिया गया है, ग्लोसी ब्लैक लगे हुआ RVM, साइड में कैमरा, ऊपर इसमें सनरूफ मिल जाएगी, रूफ रेल यहाँ पे नहीं दी गई, साइड में यहाँ पे क्रोम भी दिया गया है, और ये देखो भाई ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट दिया गया है सारे में। इसका रियर प्रोफाइल आपको दिखा दूं, फीचर्स वगैरह बता दूं, यहाँ पे डिफोगर है, ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा ये कि ये स्पॉइलर दिया गया है, थोड़ा स्पोर्टी सा सार्कफिन एंटीना ऊपर ये दिया गया है, वाइपर वगैरह इसमें भी नहीं है, कनेक्ट पूरी ये लाइट मिल जाएगी, LED लाइट दी गई है, यहाँ पे ये बैक गियर के लिए लाइट है, रिफ्लेक्टर है, दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, कैमरा यहाँ पे दिया गया है टाटा का, ये लोगो यहाँ पे मिल जाएगा। बूट भी इसका ओपन नहीं कर पाऊंगा भाई क्योंकि इलेक्ट्रिक बूट है, तो बिना बैटरी के ये भी ओपन नहीं होगा। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो भाई इंटीरियर देखो आ रहा है ना गजब का लुक, प्रीमियम गाड़ी बना दी टाटा ने एक टाइप से। डोर पैनल आपको दिखा दूं तो यहाँ पे पूरा ये लेदर का यूज किया गया है, ये ग्लोसी ब्लैक है। वैसे डोर का जो डिजाइन है वो है बिल्कुल नेक्सोन के जैसा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, थोड़ा सा ये कलर का है जो वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा, बाकी डिजाइन सेम टू सेम वही नेक्सोन वाला है। यहाँ पे ये डोर ओपनर क्रोम के साथ, चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल मिलेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो मिलेगा वन टच डाउन। जो बेसाल्ट है उसमें चारों है, यहाँ पे ये बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर वगैरह वो मिलेगा। JBL का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, सबवूफर भी मिलेगा, यहाँ पे ये स्पीकर
है, यहाँ पे ट्विटर के लिए स्पेस दिया गया है, ट्विटर मिल जाएंगे यहाँ पे। उसमें सिर्फ 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 4 ट्विटर मिल जाएंगे और पीछे बूट में मिल जाएगा एक इसमें सब बूफर। तो भाई म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। ORVM के लिए कंट्रोल यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल है। और ये देखो भाई एडास इसमें दिया गया है ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट के लिए ये इसमें आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक सीट मिल जाएगी यहाँ पे, कंट्रोल इसके दिए गए हैं। ये है वेंटिलेटेड सीट है जो इसकी दोनों फ्रंट वाली, उसके लिए कंट्रोल यहाँ पे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आगे और पीछे, ये तो भाई बस अल्ट में था, लेकिन सीट में डिफरेंस आ गया इसके कंट्रोल में, इलेक्ट्रिक सीटें हैं। अब डैशबोर्ड का डिजाइन देखो भाई, इसमें आपको 12 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, उसमें 10 इंच की दी गई है। और भाई ये जो डिजाइन है ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगेगा। यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर सा टेक्सचर इसमें दिया गया है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा, लेदरेट है, पुश बटन स्टार्ट मिलेगा, यहाँ पे पूरा ग्लोसी ब्लैक मिल जाएगा, टाटा का लोगो आएगा बीच में, लाइट वाला ये इसका स्टेयरिंग का डिजाइन है। ये सारे कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक इसमें आपको ये हेडलैम्प मिलेगा। यहाँ पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ है, टेलीस्कोपिक नहीं है। 4 स्पोक स्टेयरिंग दिया गया है जो हैरियर और सफारी में आपने देखा होगा। ये इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट ये दिया गया है 45 वाट का। और यहाँ पे पूरे ये टच कंट्रोल मिलेंगे, ऑटोमेटिक इसमें भी है, उसमें भी ऑटोमेटिक AC दिया गया है। ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ आपको मिल जाएगा इसका। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक है, उसमें मैनुअल है। यहाँ पे इसमें मोड दिए गए हैं, CT, इको स्पोर्ट, 3 मोड मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट इसमें भी सॉफ्ट टच के साथ है और अंदर इसमें स्पेस बसाल्ट से ज्यादा दिया गया है, देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। और अगर ये वायरलेस चार्जर यहाँ पे नहीं होता तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा स्पेस होना था, और भाई ये स्लाइड नहीं होगा जो कि बसाल्ट में हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं अब ग्लव बॉक्स भी भाई इसका काफी बड़ा है बसाल्ट के मुकाबले, और यहाँ पे भी अलग अलग स्पेस आपको मिल जाएंगे। ये कूल्ड भी है और इसके अंदर लाइट भी दी गई है, अभी बैटरी नहीं है तो इसलिए लाइट नहीं जल रही। एयरबैग इसमें भी 6 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, वैनिटी मिरर मिलेगा, ये यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट मिलती है, इसमें LED लाइट दी गई है, SOS का बटन है, सनरूफ के लिए कंट्रोल, यहाँ पे माइक दिया गया है, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाएगा ये। और भाई सनरूफ आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे आपको पूरी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ ये दी गई है, यहाँ पे भी LED लाइट मिलेगी पीछे वाली जो लाइट है। और ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे भी आपको ये बड़ी डिस्प्ले इस पे मिल जाएगी, पूरा डिजिटल क्लस्टर ये दिया गया है, उसमें छोटी सी डिस्प्ले थी। और इसमें भाई कलर वगैरह आपको बहुत प्यारे लगेंगे, वो नेक्सॉन सफारी वगैरह में आपने देख लिया होगा, तो फीचर भी इसमें बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। अब चलते हैं पीछे और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। ये देखो भाई पीछे वाला जो डोर है उसका लुक सेम है, आगे जैसा था वैसा ही थीम है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे ये सेम डिजाइन दिया गया है नेक्सॉन के जैसा ही। ये पीछे वाली सीट 60-40 सीट फोल्ड का आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, यहाँ से आप इसकी सीट फोल्ड कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, हेडरेस्ट नहीं है भाई बीच में, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा। आइसोफिक सीट के लिए हुक दिए गए हैं, यहाँ पे भाई पंच के इसमें मैट डाल रखे, देखो वैसे हैं छोटे, देख सकते हैं आप साइड में यहाँ पे छोटे हैं, लेकिन गाड़ी अभी नई है ना तो इसलिए गंदी ना हो, धो के यहाँ पे खड़ी कर दी, लोग आए देखें तो इसलिए मैट डाल दिए पुराने इसमें। और भाई यहाँ पे ये एक USB पोर्ट है और एक मिल जाएगा ये टाइप सी पोर्ट, AC के वेंट ये दिए गए हैं। एक बार मैं बैठ के भी दिखा दूं आपको कि स्पेस वगैरह क्या कुछ दिया गया है। आगे वाली सीट भाई लगभग मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट थी, इलेक्ट्रिक सीट है तो आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पूरी लंबी टंगे करके बिल्कुल फैल के बैठ सकते हैं। और इन सीटों के ऊपर कंफर्ट कुछ ज्यादा ही है, मतलब बेसाल्ट के मुकाबले में देखूं ना तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा कुशनी सीट यहाँ पे दी गई है। अंडर थाई स्पोर्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे टच हो गया, इसमें ज्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा। अब इसके लिए पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है, कंफर्ट वगैरह यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और थोड़ा सा ये पार्ट जो ऊपर उठा हुआ है ये यहाँ पे एक अच्छी बात है, बेसाल्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया बेसाल्ट में क्या है, यहाँ से जो इसका अंडर थाई स्पोर्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो ये वाला पार्ट है ना जो इसमें तो फिक्स है यहाँ पे, लेकिन उसमें ये ऊपर नीचे 3 स्टेप में एडजस्ट हो जाता है, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा उसमें दिखाने के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी शोरूम पे जाऊंगा ना तो उस टाइम पे आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे एडजस्ट होता है, नहीं तो आपने यूट्यूब पे देख भी लिया होगा, कई वीडियो में दिखाया है लोगों ने। बाकी भाई इसमें भी दो ही लोग बैठ पाएंगे, सेंटर में यहाँ पे बच्चा ही आएगा, 2 एडल्ट और 1 बच्चा बैठ पाएगा। इंजन पावर वगैरह की बात करूं तो भाई इसमें 1200cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, टर्बो इंजन मिलेगा। इसकी मैं पावर वगैरह की बात करूं तो भाई 118 BHP की पावर मिलेगी और 170 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। इसका प्राइस भाई ज्यादा जाएगा, प्राइस आएगा इसका 2 सितंबर को, प्राइस जाएगा इसका टॉप मॉडल का लगभग 20 लाख के आसपास, 20 से ऊपर ही जा सकता है। देखते हैं भाई जब प्राइस आएगा क्या कुछ होगा। तो ये था आज का वीडियो, कंपैरिजन था, फीचर्स वगैरह आपने देख लिए, देखने में कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है वो भी भाई आपने देख लिया। इसका जो लुक है ना भाई बेसाल्ट से बहुत ज्यादा बढ़िया है, साइड बाई साइड खड़ी करेंगे ना तो ये उससे ज्यादा प्रीमियम लगेगी। तो ये था भाई आज का वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।